संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा दस्तक 3 तथा मिजलिस रूबेला टीकाकरण अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने के उद्देश्य से आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ ने कहा कि 1 से 15 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा एवं गोरखपुर बस्ती मंडल के सभी जनपदों में दस्तक अभियान के तृतीय चरण का आयोजन किया जाना है। इसकी शत प्रतिशत सफलता के लिए सभी संबंधित विभाग अपनी अपनी कार्य योजना तैयार कर कार्यक्रम को सफल बनाए। इस बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के अभियान को व्यापक रूप से चलाया जाए। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को मिजली रूबेला टीकाकरण भी संचालित किया जाना है। उन्होंने कहा कि अभियान के फलस्वरूप दिमागी रोग से होने वाली मृत्यु दर में काफी कमी आई है। बैठक में सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, डीडीओ बब्बन उपाध्याय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, सीएससी पीएससी प्रभारी मौजूद रहे। और कोई है बताइए, लेकिन मुझे अध्यक्षता किसको करनी है? नहीं, वो आपके पास चार्ज है, आपने कहीं कोई बुलाया कभी आपको? तो उनसे कि आप वहाँ पे उपस्थित आप आओ। लेटर भी नहीं मिला सभी का, यही हाल है, इसको सुधार लें। ये आखिरी बार कहा जा रहा है, 16 महीने से सर देख रहे हैं हम, 5 महीने से देख रहे हैं, बार बार कहा जाता है ये पॉइंट अब नहीं उठना चाहिए। मीटिंग कराई, 15-20 मिनट की मीटिंग होती है, बैठे कॉफी चाय पिए और डिस्कस कर लिया कि ये काम मुझे कराने हैं और ये मैंने कराया था, इसको अप्रूवल दे दिए पेमेंट के लिए। टैक्स और इतने जो मैटरनल डेथ रिव्यू हर महीने होना है, जितने आपने रिपोर्ट किया है तो रिपोर्ट तो आता है, कहा गया यार एक सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आपस में बात ना करें, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इसको भी जरूर भेजें आप लोग सभी लोग मेटरनल डेथ की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो मोबाइल ऐप है बात नहीं रही रहे हैं, प्रॉपर तो फीलिंग नहीं हो रही, कितने बच्चे देखे, कितने आंगनबाड़ी सेंटर बंद मिले, कितने खुले थे, कितने बच्चे आए, ऐप है वो खुद ही देख लेते हैं, उसमें चिन्हित किया कि इनको निकाल दिया जाए, इनके शरीर टर्मिनेट कर दिए। उसमें कई लोग तो जनरल बॉडी या सब लोग आप आके सर से मिले थे, तो उन्होंने एक बात छूट दी है आपने, ऐसी भी लास्ट का इसके बाद अगली डेटेस में अगर ऐसा पाया गया तो आप लोग सुधर जाएं और इसको प्रॉपरली एंट्री करें, प्रॉपरली उसकी फोटोग्राफ भेजें, अन्यथा अगली बार बिल्कुल निकाल दिया जाए। ये 24 और इधर 84 लोगों का अभी इसमें डिटेल्स है, जिन्होंने जो डिफॉल्टर हैं जिनका अभी भी अटेंडेंस या तो मार्क नहीं हो रहा या तो वही पुराना सिस्टम अभी भी अपना अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ अपने फ़ोटो को रख के उसका फ़ोटो स्नैप करके उसको अपना दिखा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसमें, पिछली बार संभवतः आप में से कई लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, काफ़ी नाराज हुए थे वो, तो सीएमओ साहब ने आप लोगों को डिपेंड किया था, एक आखिरी मौके के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। एक्टिविटी नहीं रहती, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, वो चीज़ें देख लें। कमिश्नर साहब ने ये लैब, ये आपका ऐप झांसी मंडल में लॉन्च किया था, बड़ा सक्सेसफुल हुआ, तभी सिप्सा ने इसे ऑफर कर लिया है।